वेलकम टू आयुष अकेडमी. आई एम योर एजुकेटर हियर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर द डिले इन वीडियोस. कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई हूँ. सो सॉरी फॉर दैट. एंड नाउ आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपको डेली टू डेली अपडेट देती हूँ. सो इन लास्ट वीडियो लेक्चर आई सेड दैट हम विलियम शेक्सपियर के क्रिटिक्स और क्रिटिकल कमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. बिकॉज व्हेन एवर यू स्टडी और व्हेन यू डू योर प्रिपरेशंस फॉर टीजीटी पीजीटी नेट एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रिटिकल कमेंट्स आते हैं, पूछे जाते हैं. और विलियम शेक्सपियर पे बहुत से ऐसे क्रिटिक्स हैं जिन्होंने क्रिटिसिज्म किया है, बहुत से वर्ड्स बोले गए हैं. तो आज हम सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करेंगे. ठीक. सो द फर्स्ट थिंग वॉज ही वॉज एन यूनिवर्सल पोएट. वो एक सार्वभौमिक कवि थे. यूनिवर्सल इन हिंदी नोन एज सार्वभौमिक. इन अदर सेंस मतलब जो हर जगह व्याप्त. ठीक है, सार्वभौमिक का मतलब वही होगा. तो ही वॉज एन यूनिवर्सल पोएट. ये बोला था हमारे डब्ल्यू जे लॉन्ग. और जब भी हम डब्ल्यू जे लॉन्ग पढ़ते हैं वी रिमेंबर द बुक विच वी यूज टू स्टडी एज अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एक बुक है जो विलियम जे लॉन्ग ने लिखी है. तो वही विलियम जे लॉन्ग जिन्होंने वो बुक लिखी है उन्होंने ही विलियम शेक्सपियर को कहा है दैट ही वाज एन यूनिवर्सल पोएट. ठीक. सेकंड, ही ब्रीथ डेड बॉडी. इन सेंस ही ब्रीथ उन्होंने सांसें ली हैं अपॉन डेड बॉडी. डेड बॉडी पर एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ. ही ब्रीथ अपॉन डेड बॉडी एंड ब्रॉट देम इनटू लाइफ. उन्होंने मृतकों के शरीर पे सांसें ली हैं और उन्हें वापस जीवन मिले हैं. ये किसने कहा था? This is a line which is said by R.W. Emerson. ने ये लाइन कही थी that he breathed upon dead body and brought them into life. Now the third comment was we can say of Shakespeare. That never has a man turned so little knowledge to such weight. विलियम शेक्सपियर
शेक्सपियर के बारे में ये कहा गया दैट वी कैन से ऑफ शेक्सपियर, हम विलियम शेक्सपियर के बारे में कह सकते हैं दैट नेवर हैज अ मैन, कि ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ, टर्न्ड सो लिटिल नॉलेज, जिसने अपने छोटे से ज्ञान को टू सच अ ग्रेट अकाउंट। हम विलियम शेक्सपियर के बारे में कह सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने अपने छोटे से ज्ञान को, थोड़े से ज्ञान को इतने वृहद स्तर तक फैलाया। टर्न मतलब मोड़ा है, और यू कैन से चेंज्ड और समथिंग, ठीक है। तो ये लाइन बोली थी टीएस इलियट। पहला कमेंट था डब्ल्यू जे लॉन्ग का, he was an universal poet. Second was he built upon their body and brought them into life. ये था R.W. Watson की line, इन्होंने criticize किया था William Shakespeare को। third जो comment है वो है we can say of Shakespeare, हम Shakespeare के बारे में कह सकते हैं that never has a man, कभी ऐसा आदमी नहीं हुआ, turned so little knowledge, जिसने अपने छोटे से ज्ञान को इतने बृहद स्तर पर बदल दिया, to such a great account, ठीक है। Now, next comment is Monday. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ये एग्जाम में भी आया है, अ मेरिट माइंडेड शेक्सपियर। और ये कहा था एस्टी कॉलरिज, एस्टी कॉलरिज ने ये लाइन कही थी, अ मेरिट माइंडेड शेक्सपियर, ठीक। Now, the last one is sweet swan of Avon. Sweet swan of Avon. Sweet means होता है मधुर, swan होता है हंस, और Avon जो है ये है नदी, एवोनिक नदी, ठीक। स्वीट सोन ऑफ एवोन, एवोन नदी का एक अच्छा या वो क्या कर सकते हैं, मधुर तो नहीं बोलेंगे, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा हंस। और ये जो है ये लाइन बोली गई थी बेन जॉनसन ने ये कमेंट किया था, स्वीट सोन ऑन ठीक। बेन जॉनसन का नाम लेते हैं तो ये चीज ध्यान रखें, बेन जॉनसन ने बहुत से क्रिटिक वो है ना, उन्होंने क्रिटिकल कमेंट्स किए, उसी में से इन्होंने एक क्रिटिकल कमेंट किया था, एंड दैट कमेंट वाज ही इज of an age, but
He is not for an age, but for all time. यह किसी एक एज के नहीं है, ये हर समय के लिए है। शेक्सपियर ने ये लाइन कही गई थी कि शेक्सपियर किसी एक एज से बिलोंग नहीं करते, वो उन्होंने ऐसे अपने कृत्य कर रखे हैं। ही रोट सच अ ब्यूटिफुल थिंग्स और क्रिएटेड समथिंग लाइक दैट। ही बिलोंग्स टू ऑल द एजेस। ठीक है, तो ये लाइन भी बोली थी बेन जॉनसन ने। ठीक है, please write it down. So the next comment was, I loved the man and do honor his. I love the man and do honor his memory. ये पर्टिकुलर कमेंट किया था बेन जॉनसन ने कि मैं शेक्सपियर से प्रेम भी करता हूँ। द मैन इज यूज फॉर विलियम शेक्सपियर। मैं शेक्सपियर से प्रेम करता हूँ और उसकी यादों, ठीक है, ऑनर होता है सम्मान, ऑनर इन सेंस सम्मान, कि मैं शेक्सपियर से प्रेम करता हूँ और उसकी यादों का सम्मान करता हूँ। ये लाइन कही थी आपके बेन जॉनसन ने। सो नेक्स्ट था, व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट हिज बायोग्राफी आई सेड दैट लाइन दैट देयर वाज अ कमेंट दैट small Latin and less Greek. ये लाइन थी कि विलियम शेक्सपियर को लैटिन कम आती है और कम ही ग्रीक, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने ग्रेजुएट किया नहीं है उन्होंने। ठीक है, इज नॉट ग्रेजुएटेड। So Ben Jonson said that he knew small Latin and less Greek. Soul of कालखंड की आत्मा, ठीक है, दी अप्लॉज, डिलाइट मतलब होता है खुशी, ठीक है, अप्लॉज। उसके बाद दी वंडर ऑफ अ स्टेज, सोल ऑफ द एज, the applause is an apostrophe. Applause, delight, the wonder of our stage. This is also the critical comment of Ben Jonson. Ben Jonson ने ये भी critical comment किया था। ठीक,
द रेस्ट ऑफ द क्रिटिकल कॉमेंट वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट लेक्चर. एंड वन मोर थिंग, देयर इज एन अनाउंसमेंट दैट वी स्टार्टेड आवर बैच ऑफलाइन बैचेस फॉर टीजीटी एंड पीजीटी कोर्सेज एंड देयर आर एकेडमिक क्लासेस एज वेल विच बिलोंग्स टू VBSPU. सो दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, जिसे भी इंटरेस्ट हो, वो आयुष अकेडमी में संपर्क कर सकते हैं. हम जल्द ही अपनी नीचे लिंक में हम अपना टेलीग्राम आईडी भी दे देंगे और उसके थ्रू आपको सारी जानकारी आयुष अकेडमी के बारे में पता चल जाएगी. थैंक यू. एंड वन मोर थिंग, ईच एंड एवरी क्लासेस विच वी आर टेकिंग इन अकेडमी, दिस बिलोंग्स टू द ग्रेजुएशन लेवल, लाइक बी ए फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू. सो वी आर टेकिंग आर क्लासेज इन सेमेस्टर वाइज. ओके, थैंक यू.